नमस्कार, जय जय सियाराम। छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ का जो यह महापर्व है, यह जो त्यौहार है, बिहार और झारखंड के साथ साथ बंगाल और नेपाल के तटवर्ती क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी देवी को समर्पित है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने संतान की शुभता की कामना करती हैं तथा अपने परिवार में सुख संपत्ति, धन धान्य, आयु आरोग्य प्राप्त हो, ऐसा छह आशीर्वाद षष्ठी मैया अर्थात छठी मैया से मांगती हैं। तो भगवान सूर्य का पूजन छठ पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान सूर्य की स्थापना करने के पश्चात भगवान सूर्य को जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के पश्चात भगवान को तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद अक्षत अर्पित करना है। पुष्प में हल्दी कुमकुम लगा करके भगवान सूर्य को अर्पित करना है। भगवान सूर्य को प्रणाम करने के बाद भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है दूध के माध्यम से। आप इसी तरह से जो है, अगर घर से बाहर हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसी तरह से आप भी अर्घ्य प्रदान करें। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्य दिवाकर। बोलिए छठी मैया की जय। छठ का जो यह त्यौहार है, यह चार दिनों का त्यौहार होता है। पहले दिन सेंधा नमक और घी के माध्यम से अरवा चावल और कद्दू की सब्जी खाई जाती है। इसके बाद दूसरे दिन से व्रत आरंभ होता है, जिसमें व्रती को, जो उपवास रहने वाला व्यक्ति है, उसको पूरा दिन अन्न और जल का त्याग करना पड़ता है। शाम के 7 बजे के लगभग खीर बना करके भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन नदी या तालाब में जाकर के अथवा किसी बड़े जलाशय के पास जाकर के अस्ताचल के सूर्य को, छठी मैया को अर्घ्य प्रदान किया जाता है दूध के माध्यम से। और चौथे दिन प्रातः काल के उदित सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। इस व्रत में नियम का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भोजन में लहसुन प्याज इत्यादि का परित्याग करना पड़ता है। इसलिए यह व्रत सुख संतान को वृद्धि कराने वाला माना जाता है। मंगलदीप अगरबत्ती की तरफ से आप सबको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।